ग्वालियर में गोला का मंदिर पुलिस ने पिंटो पार्क क्षेत्र से स्कॉर्पियो कार में सवार एक बदमाश को गिरफ्तार किया है। उनके कब्जे से देसी तमंचा और 5 जिंदा राउंड कारतूस बरामद किए गए हैं। स्कॉर्पियो कार भी जब्त की गई है। आरोपी का दूसरा साथी बिहारी जाटव मौके से भाग निकला, जबकि वंश प्रताप जाटव को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया। उसके खिलाफ 15 आपराधिक मामले भिंड जिले में दर्ज हैं। पिछले दिनों उसने गौहद में एक लाइसेंसी बंदूक की लूट की घटना को अंजाम दिया था, जिसमें उसके ऊपर 5,000 रुपए का इनाम भी घोषित है। बीती रात पुलिस को सूचना मिली कि पिंटो पार्क क्षेत्र में स्कॉर्पियो सवार 2 बदमाश किसी संगीन वारदात को अंजाम देने के इरादे से घूम रहे हैं। इस पर गोला का मंदिर थाना प्रभारी और उनकी टीम ने मौके पर जाकर कार को जब्त कर लिया। पुलिस को देखते ही एक आरोपी बिहारी जाटव मौके से भाग निकला, जबकि दूसरे आरोपी वंश प्रताप को गिरफ्तार कर लिया गया। इनकी गिरफ्तारी से भिंड एसपी को अवगत करा दिया गया है। पुलिस आरोपी को रिमांड पर लेकर उससे दूसरी घटनाओं के बारे में भी पूछताछ कर रही है। ग्वालियर के एडिशनल एसपी निरंजन शर्मा ने इसकी जानकारी दी। गोले के मंदिर थाना क्षेत्र में जो है पिंटो पार्क पर एक सूचना प्राप्त हुई थी कि कुछ बदमाश जो है फायर आर्म्स लेके स्कॉर्पियो में कोई घटना घटित करने जा रहा है। उक्त सूचना पर थाना प्रभारी गोले के मंदिर ने सब इंस्पेक्टर शैलेंद्र शर्मा व उनकी टीम को रवाना कर चेक करने भेजा। तो वहाँ जाकर जब चेक गाड़ी को रोक कर चेक किया तो उसमें जो है 2 व्यक्ति थे, उसमें से एक व्यक्ति बिहारी जाटव करके था, वो मौके से भाग गया और दूसरा जो था वंश प्रताप जाटव स्कॉर्पियो में मिला। उसके कब्जे से जो है 315 बोर का कट्टा और 5 जिंदा राउंड मिले। आरोपी से जब पूछताछ की गई विस्तृत रूप से तो वो जो है भिंड गोहद से डकैती के मामले में एक फायर बंदूक एक लाइसेंसी बंदूक डकैती के मामले में फरार है और भिंड पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा उसके ऊपर 5,000 रुपये का इनाम घोषित किया गया है और आरोपी के ऊपर करीब 15 मामले लूट डकैती गंभीर धाराओं का अपराध पंजीबद्ध है। इस संबंध में भिंड के गोहद पुलिस को सूचना दी गई है कि वो आगे अग्रिम कार्रवाई करें और आरोपी से और भी मामलों में गहनता से पूछताछ की जा रही है और पुलिस द्वारा इसका पुलिस रिमांड भी लिया जा रहा है। और जो दूसरा आरोपी बिहारी जाटव था मौके से भाग गया था, उसकी तलाश के लिए पार्टी रवाना कर दी है, उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जा रहा है।